आप देख सकते हो ऐसा दिखता है। और ये जो हाई फाई गेस्ट हाउस है भाई, हम लोग रुक ही नहीं सकते, इतना महंगा है। ये जो ना नया नया आया है, तो मम्मी को बता रहा था कि कैसा देश है, और तो दिखा रहा था कैसा पेट्रोल बीच है। पेट्रोल बीच कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। हेलो। और एक चीज बता देता हूँ यार, वो जो बादल देख रहे हो ना पीछे साइड में, बादल ऊपर से नहीं नीचे गिर जाएगा ऐसा लग रहा है ना, कितना नीचे नीचे बादल दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते हो अगर घूमने आते हो आप लोग तो, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा बड़ा तो सबसे बड़ा कोई नहीं, यहाँ पे पैसा है तो सब। यहाँ पे इंडियन लोग काफ़ी साल पहले आए थे, वहाँ पे बस गए थे, और आपको यहाँ पे हर तरह के लोग देखने के लिए मिलेगा। चाइनीज लोग देखने के लिए मिलेगा, इंडियन लोग देखने के लिए मिलेगा, काला लोग देखने के लिए मिलेगा, व्हाइट लोग देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो ना किरोल भाषा 84% चलता है, और काफ़ी लोग हिंदी बोलता है, किरोल भी चलता है और फ्रेंच भी चलता है, तो इसी में बात करता है सब लोग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप लोग? स्वागत करता हूँ वापस से एक नई वीडियो में। तो इस वक्त हूँ मैं एक खूबसूरत पब्लिक बीच में, और इस पब्लिक बीच का नाम है फ्लैकिन फ्लैक पब्लिक बीच, और ये काफ़ी फेमस पब्लिक बीच है। इधर जितना भी देख रहे हो ना सब गेस्ट हाउस है, और ये गेस्ट हाउस में सब जो है ना टूरिस्ट जो आता है बाहर कंट्री से इस देश में घूमने के लिए, यही सब गेस्ट हाउस में रुकता है। और यहाँ पर जो है ना अभी गर्मी का सीज़न है, तो बाकी कंट्री में जो है ना ठंड चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना गर्मी है, तो यहाँ पे गर्मी भी नॉर्मल होती है, ठंडी भी नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए दूसरा कंट्री में जो ठंड होता है तो यहाँ पे अपना हॉलीडे मनाने के लिए आ जाता है। तो आपको कोई भी पब्लिक बीच अगर जाते हो मॉरीशस में, और पब्लिक बीच में आपको खाली अंग्रेज लोग देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे चलता हूँ तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और ये पब्लिक बीच ना इतना लंबा है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना दूर तक भी देखोगे आपको पब्लिक बीच ही दिखेगा। लेकिन हम लोग यहीं पे उतर गए क्योंकि ये लास्ट बस स्टॉप था इसी पीछे साइड में, और हम लोग जाएंगे इधर चलते चलते काफ़ी दूर तक। मैं लास्ट में नहाऊंगा भी, शायद वो वीडियो दूसरे पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, इस पार्ट में देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और काफ़ी दूर है ना चलते चलते जाऊँगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि दो पार्ट बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं आप लोग को एक दिन बाद तीन दिन बाद वीडियो डालता रहता हूँ। ऐसे भी ऑलरेडी जो पिछला वीडियो डाला था मैं, वो शायद एक हफ्ते के बाद डाला था, क्योंकि मैं कहीं घूमने नहीं गया था और वीडियो भी नहीं बना पाया था, इसीलिए मैं डाल नहीं पाया था। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इस बार ना दो वीडियो बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग ना नाराज मत होना, जब तक हूँ मैं इस तरह के वीडियो डालूंगा, जब यहाँ से चला जाऊँगा तब मैं ट्रैवल करूँगा और आपको एक से एक जगह दिखाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग एडजस्ट कर लो। और हमारे कंपनी में भी सैटरडे संडे को दो दिन छुट्टी होता है ना, तो मैं भी आ गया, और आज सैटरडे है और कल जो है ना संडे है, तो मैं सोचता हूँ कि कल आराम करूँगा और आज घूम लेता हूँ। और मुझे पता है कि मैं काला हो जाऊँगा क्योंकि धूप इतना ज़्यादा है ना, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप है, तो पूरा शरीर मेरा लाल हो गया है और मैं काला हो जाऊँगा, मुझे पता है पक्का। पानी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। और ऐसे भी ये पेन भीग जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको भिगाने वाला हूँ मैं। दूसरा एक पेन लेकर आया हूँ, तौलिया भी लेकर आया हूँ नहाने के लिए, आज खास करके स्पेशल नहाने आया हूँ। ऐसे मैं नहाता नहीं हूँ पब्लिक बीच में, क्योंकि पब्लिक बीच का जो पानी होता है ना बहुत नमक जैसा होता है, तो पूरा फेस काला हो जाता है, मैं खुद काला हो जाता हूँ, और ऐसा लगता है कि मैं किसी जंगल से आया हूँ ऐसा लगेगा। और एक हफ्ता नहीं, कम से कम 15 दिन आपको लग जाएगा, जैसे आप पहले थे आप वैसा लग जाएगा। काफ़ी लोग जो है ना सनलाइट स्क्रीन यूज करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते क्योंकि हमेशा तो आते नहीं है, इसीलिए हम लोग लेते भी नहीं है, काफ़ी महंगा भी है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि रहने दो, इसलिए नहीं लेते। अभी ना जाने के लिए ना काफ़ी टाइम लगेगा हम लोग को, तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, पैदल चलेंगे, नंगा पैर चलेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें जूता पहनते हैं ना, तो जूता बालू घुस जाएगा, इसीलिए सोचता हूँ कि पैदल ही चलूँगा। आप देख सकते हो ऐसा दिखता है, और ये जितना भी देख रहे हो ना सब हाई फाई गेस्ट हाउस है भाई, हम लोग रुक ही नहीं सकते, इतना महंगा है और काफ़ी महंगा है, और हम लोग इसमें रुक नहीं सकते, और हम लोग रुक के भी क्या करेंगे, हमारा हॉस्टल ही अच्छा है और हम लोग को अच्छा भी नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए सोचता हूँ कि रहने दो। किधर जा रहा, उधर उधर प्राइवेट है, इधर पब्लिक बीच है। तो
तो सब प्राइवेट है, हम लोग उधर जा नहीं सकते, तो हम लोग उसको, मैं उसको मना कर रहा हूँ क्योंकि वो पहली बार आया ना मेरे साथ, इसलिए उसको मना कर रहा हूँ। आप अगर काम करने आते हो या घूमने आते हो तो ऐसे घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे कोई कुछ को, किसी को कुछ बोलता भी नहीं है, सब फ्रेंडली होता है और सब फेस में देखेगा तो हंस देगा आपको। मतलब यहाँ पे सब कुछ अच्छा है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं 5 साल हो गया तो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ही बोल रहा हूँ। वो भाई को आगे भेज दिया यार, वो फ़ोन में बात कर रहा है घर पे और हैंड फ्री करके बात कर रहा है। तो अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, और मैं जो आपसे लोगों से बात करूँगा वो अच्छे से बता नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं उसको आगे भेज दिया। और यहाँ से लेके वहाँ तक इतना दूर भी देखोगे सब आपको गेस्ट हाउस ही दिखेगा, और जितना भी देख रहे हो ना सब टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई भी पब्लिक नहीं है, सब टूरिस्ट है। समीर भाई घर पे बात कर लिए? हाँ भाई घर पे बात कर ली, छुट्टी होगा मिला। क्या बात कर रहे थे मम्मी से? मम्मी को क्या क्या बोल रहे थे? मम्मी बोल रही थी कहाँ पे गए हो, तो मैं बोला इधर समुद्र में, कि बोल रही थी नहाना मत वहाँ पे, तुम घर घर में कुछ जाते हो, डराते नहीं हो। मैं बोला मैं पढ़ लेता हूँ, निकल जाऊँगा। ये जो ना नया नया आया है तो मम्मी को बता रहा था कि कैसा देश है, और दिखा रहा था कैसा पब्लिक बीच है। पब्लिक बीच कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा ना? यही चीज मुझे अच्छा नहीं लगता यार, यही छोटा छोटा कपड़ा पहन के घूमता है नहाता है, यही अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है जो पब्लिक बीच में खाली यही देखने आता है। लेकिन मैं ये सब नहीं देखता हूँ, और मैं वीडियो बनाता हूँ, अपने काम पे ध्यान देता हूँ, और मैं ये सब नहीं देखता हूँ। सच बोलूँ तो मैं इतना ध्यान नहीं देता सब चीज़ में, हाँ फालतू चीज़ है। हेलो। तो ये लोग टूरिस्ट है, बाहर कंट्री से घूमने आया, तो कैमरा देख के हेलो हेलो बोल रहा है। इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से और मादागास्कर लोग जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने के लिए आता है, और घूमने के लिए बाहर कंट्री से ज़्यादातर जो आता है साउथ अफ्रीके से आता है, क्योंकि अंकल बोल रहा था, एक मोरेशन था, क्योंकि वो बोल रहा था ज़्यादातर जो आता है घूमने के लिए साउथ अफ्रीके से आता है घूमने के लिए यहाँ पर। समुद्र का पानी जो है ना बहुत नमक जैसा है, ठीक है, बहुत खारा यहाँ का पानी। हाँ, तो जो हवा चलता है ना तो फेस में टच होता है ना, तो फेस ऑलरेडी काला हो जाता है। अगर नहाओगे नहीं, घूमने आओगे फिर भी काला हो जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हमेशा होता रहता है। अभी तो थोड़ा काला हुए हम लोग, अभी तो नहाएंगे तो और काला होंगे। अरे कोई बात नहीं, जिंदा रहेंगे ना काले, हम लोग तो ऐसे भी कौन सा गोरे हैं, हम तो काले ही है ना। हाँ तो लोग तक काले ही हैं पहले से। और एक चीज़ बता देता हूँ यार, वो जो बादल देख रहे हो ना पीछे साइड में, बादल कितना लग रहा है कि ऊपर से नहीं नीचे गिर जाएगा, ऐसा लग रहा है ना। हाँ कितना नीचे नीचे बादल दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे हमेशा, जब मौसम सही रहता है ना तो ये बादल जो देख रहे हो ना ये लग रहा है नीचे आ जाएगा, ऐसा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ अरे मौसम भी अच्छा है, बारिश नहीं हुआ, अच्छा है। आज ही बारिश नहीं हुआ तो और भी अच्छा लगता है, नहीं तो रोज़ बारिश हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। चलो हम लोग के साथ आज अच्छा हुआ। और हम लोग जो है ना कितने बजे निकले थे? 12 बजे निकले, 12 बजे निकले थे ना, यहाँ पे आता है 1:15 बजे। हम लोग कह रहे हैं 4 या 4:30 या 5 बजे तक हम लोग चले जाएंगे। ऊपर जो ना नया नया गेस्ट हाउस बनाया है, तो नीचे जो देख रहे हो ना एक डोजर है छोटा सा, जो बालू है ना उसको नीचे कर रहा है ताकि टूरिस्ट लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो है ना नया नया बना है इसलिए काम चालू है। तो हम लोग का ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग आ गए हैं। समीर भाई देख के चलना, नहीं तो पाँव में घुस जाएगा। जूता खोल लिया ना। हेलो, पाँव में चुभ रहा है यार मेरा तो। शायद आप लोगों को दिखाने दे रहा है, वो रहा हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है, और उसमें जो है ना पक्का टूरिस्ट ही होगा जो घूमने के लिए हेलीकॉप्टर वाले को पैसा दिया है ऊपर से देखने के लिए। और यहाँ पे ऐसा ही होता है, यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते हो अगर घूमने आते हो आप लोग तो, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा बड़ा तो सबसे बड़ा कोई नहीं, यहाँ पे पैसा है तो सब है। हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, जहाँ भी जाओगे पैसा है तो समझ लो सब है।
हम लोग जितना कमाते हैं ना, अगर हम लोग एक दिन बाहर जाता हूँ खर्चा करने के लिए तो ख़त्म हो जाता है। हाँ, हम लोग को भी दूसरा सोचना पड़ता है कि जाए कि नहीं जाए घूमने के लिए। और यहाँ पे ऐसा काफ़ी सारा जगह है जो घूमने के लिए जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ इसी वजह से, क्योंकि अगर मैं 200 रुपये भी खर्च करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का काफ़ी पैसा खर्चा कर रहा हूँ। हाँ। और इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा ना पैसा बचा रहा हूँ कि यहाँ से जब जाऊँगा तो घूमूंगा, दूसरा कंट्री नहीं तो जाऊँगा तो इंडिया में घूमूंगा। और इंडिया घूम लिया तो समझ लो पूरा दुनिया घूम लिया, इंडिया में इतना कुछ है देखने के लिए। तो मैं बहुत बड़ा है, तो इंडिया में घूम लिया तो समझ लो पूरा दुनिया घूम लिया, समझ लो दुनिया आधा दुनिया घूम लिए। इतना लैंग्वेज है, इतना कल्चर है, इतने लोग है, और यहाँ पे तो 13 लाख आबादी है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे इंडियन लोग काफ़ी साल पहले आए थे, वहाँ पे बस गए थे। और आपको यहाँ पे हर तरह का लोग देखने के लिए मिलेगा, चाइनीज लोग देखने के लिए मिलेगा, इंडियन लोग देखने के लिए मिलेगा, काला लोग देखने के लिए मिलेगा, वाइट लोग देखने के लिए मिलेगा, हिंदी भी बोलता है, किरोल भी बोलता है यहाँ पे, काफ़ी इंग्लिश भी बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है यहाँ पे, हर मेर आदमी को मिलेगा यहाँ पे। चारों तरफ जो देख रहे हो ना, ग्रीन ग्रीन पानी दिख रहा है, ऐसा साफ पानी मुझे लग रहा है कि मैं इंडिया में कभी नहीं देखा। एक बात बताऊं, सच सच बोलना, आप मुंबई में थे ना? हाँ। तो कभी वहाँ पे कौन सा ज़्यादा फेमस पब्लिक बीच है? वहाँ पे मरीन ड्राइव है। मरीन ड्राइव? हाँ। आप गए हो? हाँ, वहाँ पे मैं गया। तो पानी ऐसा साफ होता है क्या वहाँ पे? वहाँ पे पानी साफ नहीं होता, वहाँ पे बोतल से किनारे पड़ा रहता है, कीचड़ रहता किनारे में। हाँ। क्योंकि अच्छा रहता, पब्लिक बहुत रहती है वहाँ पे। अगर ऐसा मिलेगा इंडिया में तो लग रहा है कि यहीं पे दिन भर पड़ा रहेगा, यहीं पे दिन भर सब पड़े रहेंगे। आप लोग ने ऐसा मत सोचना कि इंडिया अच्छा नहीं है, इंडिया काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। और कुछ लोग भी बोलेगा कि इतना तारीफ़ कर रहा तो वहीं पर रह जाओ। देखो भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया अच्छा नहीं है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, ठीक है? आप देख सकते हो कितना साफ़ सफाई है और कितना पानी जो है ना ग्रीन ग्रीन कलर का है, आप पूरा जो है ना मिट्टी देख सकते हो नीचे तक, तो साफ़ पानी है। तो यहाँ पर आदमी भी कम है और साफ़ सफाई भी ज़्यादा है, और टूरिस्ट लोग के लिए यहाँ का गवर्नमेंट काफ़ी कुछ करता है, साफ़ सफाई के लिए अलग से आदमी भी रखा है, तो साफ़ सफाई तो रहेगा ही, मेरा बोलने का मतलब यही था। और काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग यहाँ पर घूमने आते हो तो, घूमने में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और आपको जो यहाँ पर आते हो तो ज़्यादातर आपको पब्लिक प्लेस दिखने के लिए ही मिलेगा। हाँ। और ज़्यादा कुछ है नहीं जो आप, मैं बोल सकूँ कि आप लोग घूम सको देख सको, ज़्यादातर जो है ना पब्लिक बीच ही है। मुझे ना समीर भाई एक चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, यही गुस्सा आ रहा है कि यार 5 साल हो गया ना यहाँ पे, मेरा होने वाला है हुआ नहीं है, लेकिन यार लैंग्वेज नहीं सीख पाया, यहाँ का भाषा नहीं सीख पाया यार। हाँ भाई, आप तो सीखना चाहिए, तो ये तो आपको 2 साल में थोड़ा बहुत तो आना चाहिए था। हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है यार, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, खाना खाया, ये थोड़ा थोड़ा आता, लेकिन पूरा लैंग्वेज नहीं सीख पाया। लेकिन क्यों नहीं सीख पाया मालूम है? क्योंकि कंपनी में काम करता हूँ ना, यहाँ के मोरिशन लोग भी हिंदी में ही बात करता है, इसलिए हम लोग सीख नहीं पाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग जो है ना सीख जाता है, काफ़ी लोग सीख जाते हैं, बहुत लोग सीखिए यहाँ पे मोरिशन भाषा। हाँ, तो यहाँ आए थोड़ा बहुत, हम भी थोड़ा जान गए क्या क्या। तो यहाँ पर जो ना किरोल भाषा 84% चलता है, और काफ़ी लोग हिंदी बोलता है, किरोल भी चलता है और फ्रेंच भी चलता है, तो इसी में बात करता है सब लोग। तो हम लोग हिंदी बात करते हैं ना कंपनी में सबके साथ, इसीलिए हम लोग नहीं सीख पाते हैं। कंपनी में तो हिंदी चलता है, कंपनी में सब लगभग हिंदी में ही बात करता है। हाँ। और जो नहीं समझ पाता है दूसरे को बुला के हिंदी में बात करवा के ट्रांसलेट करवा लेते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं दूसरे से। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, और मैं और एक पार्ट में डालूँगा जिसमें हम लोग नहाएंगे और जब जाएंगे क्या क्या करते हैं वो सब देखने के लिए मिलेगा। मैं कोई फेमस यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो आप लोग देखोगे, फिर भी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर पिछला वीडियो आता है और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, अगर देखना चाहते हो पिछला वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बता दो, और एक लाइक होगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट से ज़्यादा लाइक से ज़्यादा कमेंट होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो तो एक लाइक कर दो यार, प्लीज़ लाइक कर दो, सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग को दिखाते हैं कहाँ कहाँ को जाते हैं और सब दिखाते हैं भाई को, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई, ठीक है? जिसको पसंद आ रहा है वही करो, जिसको पसंद नहीं आ रहा है वो मत करो, क्योंकि मैं भी काफ़ी यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ। हाँ। मुझे जो पसंद आता है मैं इसको सब्सक्राइब करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है उसको लाइक करता हूँ, तो जिसको पसंद आ रहा है अगर कोई नया है अगर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, होगा तो लाइक कर देना। तो अभी के लिए बस इतना ही, यहाँ पर वीडियो ख़त्म करता हूँ, पिछला वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।